हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भूगोल की 1500 से लगभग 2000 प्रश्नों की जो प्रश्न श्रृंखला चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। आज हम लोग सीखेंगे जो कौन सा डैम है, कौन से नदी के किनारे स्थित है, कौन से नदी पे स्थित है, कौन सा आपको जो है ना प्रोजेक्ट कौन से आपको नदी पे स्थित है, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो भारत में जल का सर्वाधिक उपयोग जो है ना आपको कृषि क्षेत्र में होता है। कृषि क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में भी नहीं आपको, खनन क्षेत्र में भी आपको नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में भी, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है उसमें भी जल का सबसे ज्यादा उपयोग नहीं हो करके। सबसे ज्यादा हम लोग जो है ना जल का उपयोग किसमें करते हैं? खेती के लिए करते हैं। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा जल का उपयोग होता है। सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पे आपको सरदार सरोवर बांध का जो है ना निर्माण किया जा रहा है। नर्मदा रिवर पे जो है ना आपको सर्वदा ये सरदार सरोवर बांध बन चुका है। ये पहले का क्वेश्चन है, 1992 में आया हुआ है, इसलिए आपको ये जो है पूछा है आपके सामने कि किस नदी पे बनाया जा रहा है। ये आपको जो है सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है? तो आपको नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर डैम। अगला क्वेश्चन जो है फिर से है, कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो नर्मदा नदी जो है आपको सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, जो कि एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश के ऊपर कंटेक्ट से निकलती है। सरदार सरोवर जो आपको प्रोजेक्ट है, जो सरदार सरोवर परियोजना है, उससे सबसे ज्यादा किसको लाभ मिलता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सरदार सरोवर जो डैम है उससे सबसे ज्यादा आपको लाभ लाभान्वित होने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है? सतलज नदी पे बनाया गया है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है ना आपको सतलज नदी पे है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट कहाँ पे है आपको? सतलज नदी पे है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये सब देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना है वो आपको कर्नाटक में कावेरी नदी पे है। कर्नाटक में कौन से नदी पे है आपको? कावेरी नदी पे आपको शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना आपको कर्नाटक में कावेरी नदी पर आपको स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक का जो जल विवाद है वो आपको बहुत दिनों से जो चला आ रहा है वो आपको कावेरी नदी का जो जल है उससे संबंधित विवाद है। आपको कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो आपको कर्नाटक और तमिलनाडु का है। कर्नाटक और तमिलनाडु जो है उसका जो आपको विवाद है वो कावेरी नदी के जल को लेकर है। ठीक है, नागार्जुन सागर जो डैम है वो आपको कहाँ पे स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो आपको डैम है वो आपको कृष्णा नदी पर कौन से पे? कृष्णा रिवर पे आपको जो है ना नागार्जुन सागर जो है डैम है स्थित है। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, नाग अर्जुन, अर्जुन इसमें आ रहा है तो कृष्णा नदी, अर्जुन कृष्णा नदी से संबंधित है अर्जुन। तो आपको नागार्जुन जो सागर डैम है वो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो अभी हमने बताया कि आपको कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है वो कृष्णा नदी पे है आपको आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है आपको नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट? नागार्जुन सागर जो आपको जो प्रोजेक्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना है, वो आपको कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध कौन से नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पे आपको हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? हीराकुंड। फिर से सेम क्वेश्चन, आपको महानदी पर जो आपको बांध बनाया गया है वो आपको कौन सा बांध है, वो कौन सा आपको जो है ना डैम है, कौन सा प्रोजेक्ट है, तो उसका नाम है हीराकुंड। गांधी सागर बांध किस एक का भाग है? चंबल परियोजना का भाग है आपको गांधी सागर बांध। चंबल परियोजना का भाग है मतलब गांधी सागर बांध जो है ना आपको चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर ही बनाया गया है आपको कौन सा बांध? तो गांधी सागर बांध आपको चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर कौन सा बांध है? तो गांधी सागर। चंबल नदी पर कौन सा बांध है?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गांधी सागर जो आपको बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया। निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, तो आपको राणा प्रताप जो सागर है वो आपको चंबल नदी पर बना है। नागार्जुन सागर अभी हम लोगों ने देखा कौन से नदी पर, कृष्ण, अर्जुन आ रहा है तो कृष्णा नदी पर, कौन से नदी पर, कृष्णा। ये रिहंद जो है ना आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, रिहंद नदी पर है। तो ये पूछ रहा है कि जो आपको चंबल नदी पर कौन सा जो है ना आपको प्रोजेक्ट है, तो राणा प्रताप सागर जो है वो आपको चंबल नदी पर है, ठीक है। कौन सा जो है ना आपको डैम, जो राणा प्रताप जो सागर है वो आपको चंबल नदी पर बना हुआ है। हमारे पास अगला प्रश्न है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, ये आपको भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर आपको टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। आपको टिहरी बांध पे, भागीरथी नदी पे टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। फिर से आपको प्रश्न, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स भी आएगा, तो आपको वहां से जो है ना आपको पानी के द्वारा जो है ना आपको बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। तो ये टिहरी जो आपको पन बिजली कॉम्प्लेक्स है आपको भागीरथी नदी पर आपको स्थित है। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। तिलैया बांध की अगर मैं बात करूं तो तिलैया बांध बराकर नदी पर है। बराकर नदी आपको पता ही है, बीपीएससी ये सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, झारखंड में है। कहाँ पे है आपको, बराकर नदी झारखंड में है और उसी पे है आपको तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है ना झारखंड में बराकर नदी पे आपको स्थित है। मैथोन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध, फिर से तिलैया बांध आ गया। अब सिंपल सी बात है, तिलैया बांध है तो ये मैथोन हो, बेल पहाड़ी हो, तिलैया बांध है, ये सब के सब कौन से नदी पर है, बराकर नदी पर स्थित है। मैथोन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध ये सब के सब बराकर नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड में आपको नदी बहती है। हमारे पास जो है ना दोस्त आपको जो है ना यहाँ पे सूचियां दी गई हैं, उससे जो है ना हम लोग को जोड़ी मिलाना है। तो देखते हैं आपको, हमारे पास भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है ना सतलज नदी पे है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो सतलज नदी पे। अब यहीं पे हम ऑप्शन काटना शुरू कर देंगे, ए का चार, पहले ये आपको गलत दिया क्योंकि ए का इसमें फर्स्ट दिया है, इसमें ए का तीन दिया, ये दोनों ऑप्शन गलत, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना हीराकुंड बांध जो है ना अभी महानदी पे है। हीराकुंड बांध जो है ना आपको कहाँ पे है, महानदी पे, तो बी का तीन, बी का तीन। ऐसे ही आपको जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपको बी सही हो गया, क्योंकि इसमें बी का एक दिया हुआ है। आगे की ओर फिर भी जो है ना हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। इडुकी जो है ना आपको परियोजना है पेरियार नदी पे, इडुकी परियोजना जो है ना आपको पेरियार नदी पे है। पेरियार नदी जो है ना आपको केरला में बहती है। आपको पेरियार नदी कहाँ पे बहती है, केरला में बहती है, तो इडुकी परियोजना आपको केरला में है, आपको पेरियार नदी पे है। और नागार्जुन सागर तो आपको कौन सी नदी पे, कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर जो है ना आपको कृष्णा नदी पे मैंने बताया ही था, तो डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा नागार्जुन सागर जो है ना आपको क्या, कृष्णा नदी पे। आपको कहाँ पे है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने बताया था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कुछ बांध के बारे में जो है ना हम लोग जो है ना बात करते हैं। ये जो अलमाटी बांध है वो आपको कृष्णा नदी पे है। अलमाटी बांध कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे है। मेटूर बांध कावेरी नदी पे, मेटूर बांध कहाँ पे है, कावेरी नदी पे। आपको गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, जो कि आपको राजस्थान में है। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे, नर्मदा नदी पे। तो ये चारों बांध को देखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अलमाटी बांध कृष्णा पे, मेटूर कावेरी पे, गांधी सागर चंबल पे, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पे है, तो अभी हम लोगों ने देखा कृष्णा नदी पे। अलमाटी बांध कहाँ पे है आपको, कृष्णा नदी पे है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे। फिर से हमारे पास जोड़ी आई है, इसमें जो है ना हम लोग को कम से कम चार क्वेश्चन याद होता है, इसलिए मैं आप लोग के सामने जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन ज्यादा लेकर के आता हूँ। तो देखिएगा आपको इडुकी अभी पेरियार नदी पे देखा, ए का चार, ए का चार सिर्फ बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ए या सी में आपको होगा। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास है कि माता टीला, तो माता टीला जो है ना आपको बेतवा नदी पे है। माता टीला जो बांध है वो आपको बेतवा नदी पे है। ये बेतवा नदी मध्य प्रदेश में बहती है, तो माता टीला बांध कहाँ पे है आपको, बेतवा नदी पे। तो बी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। बी का वन मतलब
बी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसमें बी का सेकंड दिया हुआ है इस तरह से। आगे फिर भी ऐसे नागार्जुन सागर हम लोग को पता ही है, तो नागार्जुन सागर जो है ना हम लोगों ने देखा कृष्णा नदी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, कृष्ण अर्जुन, इसलिए जो है ना याद कर लीजिएगा नागार्जुन सागर आपको कृष्णा नदी पे, और लास्ट जो बता बचा पोचमपाद, ये आपको जो है ना गोदावरी नदी पे, पोचमपाद कहाँ पे है गोदावरी नदी पे, आपको ये सब प्रोजेक्ट आपको स्थित है। तो हम लोगों ने देखा इडुक्की पेरियार नदी पे, माता टीला बेतवा नदी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा में जो कृष्णा नदी पे स्थित है आंध्र प्रदेश में, और आपको पोचमपाद आपको गोदावरी नदी पे। हमारे पास अगला प्रश्न है मेटूर बांध कहाँ पे है, तो मेटूर बांध आपको कावेरी नदी पे है, मेटूर बांध कहाँ पे है कावेरी नदी पे है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ये नहीं है कि कौन से नदी पे है, हमारे पास जो है ना ये परियोजना किस राज्य में अवस्थित है ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो मेटूर जो है ना आपको कावेरी नदी पे तो है, लेकिन तमिलनाडु में, कहाँ पे है आपको तमिलनाडु में। पहला का केवल एक ही ऑप्शन है, ये ए का एक, ए इसमें जो है ना ए का सेकेंड फोर थ्री, ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं गलत, तो आपको ए क्या हो जाएगा सही। मयूराक्षी जो है ना आपको क्या हो जाएगा, मयूराक्षी जो है ना आपको पश्चिम बंगाल में, मयूराक्षी जो है ना आपको जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर मैंने आपको कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में मैंने बताया नागार्जुन सागर, तो सी का दो ठीक है। उसके बाद हीराकुंड जो है ना आपको उड़ीसा में महानदी पे, हीराकुंड डैम जो है ना ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको हीराकुंड डैम उड़ीसा में आपको महानदी पे अवस्थित है ये आपको हीराकुंड डैम, जो कि ये प्रोजेक्ट उड़ीसा में आता है। तो इस तरह से हम लोग का जो हम लोगों ने देखा मेटूर तमिलनाडु, मयूराक्षी आपको जो है ना कहाँ पे पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, और हीराकुंड आपको उड़ीसा में महानदी पर। इस तरह से हमारे पास फिर से जो है ना आपको जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन आया है, तो देखेंगे हमारे पास है शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम जो आपको आप लोगों ने वाटरफॉल है, जो कि आपको ये शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है वो कावेरी नदी पे है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो शिव समुद्रम जो प्रोजेक्ट है वो आपको कावेरी नदी पे है, कहाँ पे है आपको कावेरी नदी पे। तो पहला का बी सब में आपको जो है ना बी ही है, तो इसलिए अभी हम लोग नहीं काट सकते हैं ठीक है। दूसरा पार्ट, दूसरा जो नागार्जुन सागर हमने बताया था आपको अर्जुन, तो कृष्णा, नागार्जुन सागर आपको कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में, तो दूसरा का क्या होगा डी हो जाएगा। मतलब हमारे पास अब जो है ना केवल दो ऑप्शन बचते हैं, जो जायकवाड़ी परियोजना है वो आपको गोदावरी नदी पे है, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पे है गोदावरी नदी पे, और जो टिहरी जो परियोजना है वो भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में, टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, जोड़ी मिला लीजिए आपको ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। शिव समुद्रम, कावेरी, नागार्जुन सागर, नागार्जुन अर्जुन, तो सिंपल सी बात है कृष्णा, जायकवाड़ी गोदावरी, और टिहरी जो प्रोजेक्ट है वो आपको उत्तराखंड में अवस्थित है, भागीरथी नदी पर अवस्थित है। आगे की ओर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अगला प्रश्न है फरक्का। फरक्का जो है देखिएगा, हम लोग जो है ना जोड़ी मिलाते हैं, फरक्का जो है ना पश्चिम बंगाल में, फरक्का जो आपको बांध है वो पश्चिम बंगाल में, फरक्का कहाँ पे है पश्चिम बंगाल में, आपको बी और सी ऑप्शन जो है ना क्या हो जाता है कट जाता है। अब हमारे पास जो है ना फरक्का कहाँ पे है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं घाट प्रभा, तो घाट प्रभा कर्नाटक में, घाट प्रभा कहाँ पे है कर्नाटक में है, हीराकुंड उड़ीसा में महानदी पे, हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है, हीराकुंड जो डैम है, हीराकुंड का जो बांध है वो उड़ीसा में महानदी पे है, और काकरा पार गुजरात में, तो काकरा पार जो है ना आपको कहाँ पे है गुजरात में है। तो इस तरह से जोड़ी मिला लीजिएगा, जो भी ऑप्शन सही होगा आई थिंक ए का एक बी का चार, ए का एक बी का चार ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हीराकुंड जो है उड़ीसा दो, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको फरक्का पश्चिम बंगाल, घाट प्रभा कर्नाटक, हीराकुंड उड़ीसा, और उसके बाद जो है ना काकरापार गुजरात ठीक है। अगला हमारे पास जो है ना प्रश्न है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, पोंग बांध को हम लोगों ने ब्यास नदी पे बनाया, ऑप्शन डी सही है। पोंग नाथ जो है ना किस नदी पे बनाया गया है, पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे प्रश्न है, तो वीडियो को जो है ना प्लीज अंत तक देखिएगा, और कमेंट जो ऐसे विद्यार्थी जो नए हैं वो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको कमेंट करिएगा, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा
तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना कहाँ पे है भाई? तो झेलम नदी पे। अभी हम लोगों ने देखा पोंग बांध कहाँ पे है, तो ब्यास नदी पे है, और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना बगलिहार प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा किस नदी पर बनाया जा रहा है बगलिहार प्रोजेक्ट? तो आपको चिनाब नदी पर बगलिहार प्रोजेक्ट जो है ना आपको बनाया जा रहा था। आपको ये आपको 2006-07 के जो है ना 2005-06 के समय का बात है, 6-07 का। तो बगलिहार प्रोजेक्ट जो है ना, जिसके विषय में जो है ना पाकिस्तान जो है ना आपको विश्व के समक्ष, विश्व बैंक जो है ना वर्ल्ड बैंक के समक्ष जो है ना आपको विवाद उठाया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तो भारत द्वारा कौन से नदी पे बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है आपको बगलिहार प्रोजेक्ट। ये बगलिहार प्रोजेक्ट जो है ना चिनाब नदी पे बनाया जा रहा था, ठीक है, जो कि अब जो कि पाकिस्तान के द्वारा जो है ना आपको विश्व बैंक के वर्ल्ड बैंक के समक्ष ये विवाद उठाया जा रहा था। महाकाली संधि, महाकाली संधि आपको भारत और नेपाल के मध्य है। महाकाली संधि जो है ना आपको भारत और नेपाल के मध्य है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य है। बगलिहार जो प्रोजेक्ट है वो आपको कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में, जो कि आपको पाकिस्तान के द्वारा जो है ना चिनाब नदी पे बगलिहार प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था। कौन सा नदी? चिनाब नदी पे जो है ना आपको बगलिहार प्रोजेक्ट को जो है ना आपको बनाया जा रहा था। तो उसी समय का जो है, देखिए उत्तराखंड 2003 में, मतलब उसी बहुत पुराना भी बात है ये। तो बगलिहार प्रोजेक्ट जो है ना आपको जो चर्चा में था वो आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो आपको पाकिस्तान के द्वारा जो है ना वर्ल्ड बैंक के समक्ष इस विवाद को लाया गया था, जो कि चिनाब नदी पे बनाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन जोड़ी सुमेलित नहीं है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कल्पक्कम तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है ये, मतलब सही है बिल्कुल। राणा प्रताप जो है ना, नहीं, राणा प्रताप सागर जो है ना आपको मध्य प्रदेश में नहीं, ये राजस्थान में है राणा प्रताप, ये क्या हो जाएगा? गलत। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो यही पूछ रहा था, कौन सुमेलित, आगे देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग देखेंगे कि कल्पक्कम जो है ना तमिलनाडु में, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। ये राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में ना होकर के कहां पे है आपको? ये राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, चंबल नदी पे है, ठीक है। नरौरा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही, नरौरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र, ये सारे के सारे जो है ना आपको प्रोजेक्ट जो है ना सम्मिलित है। बाकी राणा प्रताप सागर जो है ना, ये प्रोजेक्ट जो है ना आपको कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पे, ठीक है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम में जो है ना आपको तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है। सिक्किम में तीस्ता जल विद्युत परियोजना, सिक्किम में तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में स्थित है, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमारे पास जवाहर सागर कहाँ पे? राजस्थान, बिल्कुल सही। जवाहर सागर कहाँ पे है आपको? ये जो परियोजना है ये जवाहर सागर प्रोजेक्ट राजस्थान, बिल्कुल सही, ठीक है। हम लोग से पूछा क्या है आपको? पूछा है हमसे कि कौन सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही, कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पे, अर्जुन कृष्णा मैंने बताया। शिव समुद्रम जो है ना आपको कावेरी नदी पे है, ये कर्नाटक में है। एक तो कावेरी नदी, और दूसरी चीज मैं आप लोग को बताऊं तो ये केरल में ना होकर के कहाँ पे है? कर्नाटक में है आपको, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक मैंने लिख दिया, सॉरी, ठीक है। कर्नाटक में आपको जो है ना ये शिव समुद्रम जो है ना जलप्रपात है। शिव समुद्रम जो जो आपको जो है ना प्रोजेक्ट है वो कावेरी नदी पे है, केरल में ना होकर के कर्नाटक में है। तो कौन गलत है यही बताना था, तो ये हमारा से। गांधी सागर मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है, गांधी सागर मध्य प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। जवाहर सागर राजस्थान में सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये भी सही है। तो हम लोगों ने देखा आज थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी जो है ना वीडियो को कराया, जिससे बहुत जल्दी कम समय में हम लोग सीख गए। तो धन्यवाद, आज इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।